हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद इंग्लिश। आई एम आईशेल्फ रामाकांत मिश्रा, द टीचर ऑफ इंग्लिश। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने वीडियोस को लाइक या शेयर नहीं किया है वो लाइक और शेयर करेंगे। मेरा वीडियो जितने भी है वो को रिलेटेड वीडियोज़ हैं, इसलिए जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप अवश्य उसे देख लें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम सीख रहे थे, जिसमें फोर्थ रूल में पढ़े थे कि एफ या एफ ही से कोई नाउन अंत होता है तो एफ को वी में बदल देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन उस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, तो हम उस एक्सेप्शंस के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो अब हम सीखें एक्सेप्शंस ऑफ रूल फोर्थ, सिंगुलर एंड प्लूरल, हाउ टू चेंज सिंगुलर इंटू प्लूरल। तो केवल एस लगाएंगे और एफ को बी में नहीं बदलें, ये ध्यान देंगे। बिलीफ बिलीफ्स, क्लिफ क्लिप्स, चीप चिप्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स, ग्रीफ ग्रीफ्स, गल्फ गल्फ्स, सेफ सेफ्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, टर्फ टर्फ्स, प्रूफ प्रूफ, रूफ रूफ्स। जितने भी ये वर्ड्स हैं इसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ना तो एफ को वी में बदला और ना ई एस लगाया, केवल एस का हम लोग प्रयोग किए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। अब हम अगला नियम पढ़ेंगे, फिफ्थ रूल सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। रूल फाइव पे अब हम लोग ध्यान देंगे। द नाउन एंड्स इन डबल वॉवेल्स, एस इज ज्वाइंड टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। यदि कोई नाउन डबल वॉवेल से अंत करता हो तो केवल एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। देखें एग्जांपल्स, बी बीज, ट्री ट्रीज, जू जूज, रेडियो रेडियोज, वो वोज, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोज। देखें बी डबल ई, दोनों ई जो है वॉवेल्स हैं, इसलिए केवल हम एस लगाए। ट्री में डबल ई है, ई वॉवेल है, इसलिए हम केवल एस लगाए। इसी तरह से और सभी में हम देखेंगे। तो अब हम लोग जान गए हों कि सिंगुलर से प्लूरल कितने हम आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो इसके पैरेलल में हम लोग टेंस और नरेशन भी पढ़ेंगे, उसका भी वीडियो बनेगा। आप लोग चैनल से बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।